हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित मौर्य। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ वीवो को न्यू वेरिएंट वीवो V19 की, जहाँ पर मैं आपको इसकी पूरी परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ और इसकी क्या क्वालिटी, क्या कैमरा के मामले में है ये, जो कि इसके लिए कैमरा एक्सपर्ट बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको स्टोरेज को लेकर भी यहाँ पर सारी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्योंकि मैंने इसे वन वीक पहले परचेस किया और इसको मैंने वन वीक तक यूज किया, तो इसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी वो सब आपको डिटेल से बताऊँगा। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए, तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हम इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको बता ही रखा है। तो इसके लिए यहाँ पर आपका कुछ वीवो V19 का बॉक्स इस तरह से दिख जाएगा, जहाँ ब्रांडिंग आपको दिख जाएगी। बात करूँ नॉर्मल, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर IPL वीवो का भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा लोगो, और यहाँ पर कुछ इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पर दिख जाएगी डिटेल में। तो चलिए यहाँ पर ये इसको पहले ओपन ही कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। तो इसको मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर इसको एक साइड में रख देता हूँ। यहाँ पर आपको एक केस मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर आपको इससे रिलेटिव कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर एक कुछ आपको बैक कवर मिल जाएगा इसका, और कुछ इस तरह का आपको दिख जाएगा। और साथ ही मैं बात करूँ, यहाँ पर कुछ यूज़र गाइड हैं, तो इसके रिलेटिव कुछ गाइडलाइन दी गई हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक USB-C टाइप केबल मिल जाती है, जो चार्जर के लिए, वो कुछ इस तरह से है यहाँ पर। और उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर इसका जो मेन चीज़ है वो फ़ोन, तो यहाँ पर आप कुछ देख रहे हैं कुछ इस तरह से। तो चलिए हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसको अभी हम रख देते हैं साइड में। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, तो जो कि इसके साथ में आप इसको हटा देते हैं। और यहाँ पर आपको एक चार्जर मिल जाता है, जो फास्ट चार्जर है यहाँ पर, जो 2.0 का वीवो का। तो ये आपको 33 वाट का आउटपुट देता है। और इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ हेडफोन्स मिल जाती हैं, जो कि यहाँ पर वीवो की तरफ से बेसिक जो हेडफोन्स है वो देते हैं। तो वही आपको हेडफोन यहाँ पर मिल जाती हैं, कुछ इस तरह से लुक है इनका। और बाकी चीज़ें यहाँ तो कुछ नहीं है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके मेन फ़ोन की, जो कि आपको यहाँ पर निकाल लेते हैं। और कुछ आपको यहाँ पर ये पियानो ब्लैक कलर में मिल जाता है, तो आप कुछ देखेंगे यहाँ पर किस तरह का इसका जो शाइनिंग है जो। और बात करें इसके डिस्प्ले की, तो सामने से हम इसे पहले बूट करते हैं। उससे पहले यहाँ पर ऑन कर लेते हैं इसे, इसका स्विच ऑन कर लेते हैं। और स्विच ऑन कुछ आप देखेंगे कुछ इस तरह से हो रहा है यहाँ पर, जो कि आपको दिख जाएगा। और इसके बाद जब ये स्विच ऑन हो जाएगा, तो हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, और उसके बाद वीडियो में बात करते हैं। तो प्रण, यहाँ पर हमने जल्दी जल्दी इसको बूट कर लिया है और इसका सेटअप कर लिया है। तो इसको अब हम यहाँ पर हम कर लेते हैं अनलॉक। अनलॉक करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ बात करूँ इसके डिस्प्ले की, तो आपको यहाँ पर एक प्रीमियम लुक देखने को मिल जाता है, जो इसकी डिस्प्ले ब्राइटनेस है काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी भी देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ अगर फुल इसकी ब्राइटनेस की बात करूँ, तो ये लगभग इतनी देखने को मिल जाती है। और इसकी जो डिस्प्ले है वो 6.44 इंच की आपको मिल जाती है। और यहाँ पर जो आपको फुल HD के साथ सुपर AMOLED E3 के साथ मिल जाती है जो इसकी डिस्प्ले, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है, वीडियो क्वालिटी भी। तो यहाँ पर मैं इसके एप्लीकेशन की बात करूँ, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर एप्लीकेशन मिल जाती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने में लग रही है यहाँ पे इसकी डिस्प्ले की वजह से, जो यहाँ पर सुपर AMOLED की डिस्प्ले मिल रही है आपको एकदम। तो इसको कुछ एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको ऑन डिस्प्ले भी मिल जाती है, और यहाँ पर इस तरह से इसका UI सिस्टम मिल जाता है यहाँ पर, जो कि आप इस तरह से एप्लीकेशन को भी हैंडल कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके बाद हम इसके बात करते हैं, इसके बैक साइड में चलते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर प्रीमियम लुक के साथ यहाँ पर आपको डबल कर्व में इसका डिज़ाइन मिल जाता है, कुछ आपको इस तरह से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले प्रोटेक्शन की, तो ये आपको 6th जनरेशन गोरिल्ला ग्लास के साथ मिल जाती है। और इसके साथ मैं बात करूँ, यहाँ पर साइड में आपको मिल जाता है पावर अनलॉक बटन, जैसे पावर लॉक अनलॉक कर सकते हैं आप। और उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर पावर के साथ यहाँ पर मिलता है आपको एक वॉल्यूम अप डाउन के लिए, तो यहाँ पर आपको अप डाउन कर सकते हैं इसे वॉल्यूम, कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा यहाँ पर बटन। बात करूँ मैं इसके ऊपर साइड की, तो यहाँ पर ऊपर साइड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक सेकेंडरी यहाँ पर माइक्रोफोन स्पीकर है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इसके साइड में, तो यहाँ पर एक को आपको मिल जाती है 3 स्लॉट, जहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, अपने 2 SIM लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि आपको 3 स्लॉट के साथ मिल जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके नीचे साइड में, नीचे साइड में आपको कुछ इस तरह से यहाँ लुक देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर आपको हमेशा की तरह वीवो ने दिया है यहाँ पर आपको 3.5 का जैक, जो कि आप अपने हेडफोन में यूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक प्राइमरी माइक्रो फ़ोन जो स्पीकर है वो मिल जाता है। और तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक जैक, जो कि आपको C टाइप केबल के साथ मिल जाता है, जो USB में आता है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाता है।
तो कुछ इसी तरह से आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बैक साइड में बात करें इसके कैमरे की, तो आपको यहाँ पर एक क्वाड रियर कैमरा है जो कि यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं इसके कैमरे की परफॉर्मेंस की बात करूँ, यहाँ पर जो इसका 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, उसके बाद यहाँ पर सेकंड कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पर एक 8 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है वाइड एंगल कैमरा। और उसके बाद नीचे की बात करूँ तो जो सेकेंड कैमरा है वो आपको मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का, जो कि यहाँ पर आपको डेप्थ एंगल कैमरा मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट कैमरा है वो यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का माइक्रो एंगल कैमरा मिल जाता है। तो यहाँ पर जो इसका कैमरा है उसके बाद आपको एक एलईडी फ्लैश मिल जाता है ऊपर के साइड में, और यहाँ पर इसके बारे में जो ब्रांडिंग दी गई है, उसके बाद सीधे नीचे आप देखें तो यहाँ पर आपको वीवो की ब्रांडिंग मिल जाती है। फ्रेंड यहाँ पर मैं इसके रियर कैमरे के बाद बात करूँ यहाँ पर फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पर आपको डुअल पंच में कैमरा मिल जाता है, कुछ डिस्प्ले में इनबिल्ट है, इस तरह से दिख जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ पर ये जो कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल प्लस 8, जो कि यहाँ पर 8 मेगापिक्सल है वो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, जो कि आपको अगर ग्रुप में वगैरह कोई फोटो लेते हैं सेल्फी तो काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर लेता है, काफ़ी सारे लोग हो आप तो बहुत ही अच्छी ज़्यादा परमानेंट देता है। तो इसके फेस कैमरे को मैं चेक कर लेता हूँ, तो फेस कैमरे की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर फेस कैमरा कुछ आपको इस तरह से मिलता है। तो यहाँ पर जब एक वाइड एंगल के लिए आपको यहाँ पर लेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, लेंस के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर इस तरह से, तो लेंस के ऑप्शन के बाद सुपर वाइड एंगल कैमरे के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पीछे का जितना भी एरिया है और उसके साथ आप बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पर आप उसे चेक कर सकते हैं और इस तरह से यहाँ पर इमेज ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पर इसके फ्रंट कैमरे की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, नाइट मोड भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसके रियर कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पर रियर कैमरा जो है काफ़ी अच्छा कैमरा दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी जो सारी परफॉर्मेंस है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको लेंस के ऑप्शन में यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सुपर वाइड एंगल और बोकेज के साथ तो मिलता ही है, यहाँ पर साथ में आप ब्यूटी वगैरह भी जो ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छे दिए गए हैं यहाँ पर, जिन्हें आप सेट कर सकते हैं, अपने साथ स्लिम बॉडी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन है फेस को लेकर, ठीक है, तो जिन्हें आप अपने साथ एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर इसके फिल्टर की बात करूँ तो यहाँ पर फिल्टर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो फिल्टर पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिल्टर के ऑप्शन बहुत सारे हैं जिन्हें आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ इसके 48 मेगापिक्सल की, तो यहाँ पर जो 48 मेगापिक्सल आपको एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर आगे की तरफ जाना होगा, यहाँ पर मोर के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक 48 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको सेट करना पड़ेगा, तो जो कि आपको कुछ इस तरह से दिख जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको जब क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर 48 मेगापिक्सल एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जब आप कोई भी इमेज लेंगे तो काफ़ी आपको क्लियर दिखाई देगी और बहुत ही अच्छी फोटो इमेज क्वालिटी जो कि मैंने इसे यूज किया है। उसके बाद यहाँ पर बात करूँ मैं इसके वीडियो क्वालिटी, तो वीडियो भी आपकी काफ़ी फुल HD के साथ आप यहाँ पर 4K और 8K के साथ यहाँ पर इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं फोटो पे भी डायरेक्ट शेयर करना चाहते हैं। और इसके जो मैं जूम की बात करूँ यहाँ पर आपको 10x के साथ मिल जाता है, जितना भी आप इसे जूम कर सकते हैं 10x के साथ इसे जूम कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप काफ़ी दूर की भी इमेज काफ़ी क्लियरली ले सकते हैं। तो उसके साथ इसकी जो मेन परफॉर्मेंस है तो यहाँ पर मैं रिव्यू के दौरान आपको बताऊंगा इसके कैमरे के बारे में क्या क्या खास क्वालिटी है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर जो इसकी पिक्चर्स क्वालिटी है वो आपको मैं यहाँ पर डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ, यहाँ फ्रंट सेल्फी फ़ोटो क्या आ रही हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कि कुछ फ़ोटो ली गई हैं इसके फ्रंट और बैक कैमरे से, जो कि आपको काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर ये इसकी कुछ परफॉर्मेंस रही। उसके बाद हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले में अनलॉक कर लेते हैं, तो लॉक की बात करूँ तो यहाँ पर तो आपको यहाँ पर लॉक मिल जाता है जो कि 3D डायनामिक के साथ आता है यहाँ पर। तो आपको ये चीज़ देखेंगे जो कि आपको यहाँ पर फिंगर रखते ही आपको कुछ इस तरह से बनते दिखेगा, तो ये आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ इसमें चेंजेस करना चाहें वो भी आपको अंदर सेटिंग में मिल जाएंगे। और इसके फेस अनलॉक की बात करूँ तो फेस अनलॉक काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर रहता है, तो इसको हम करके देखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं इसकी मेन परफॉर्मेंस क्या है और इसकी सेटिंग में जाके देख लेते हैं। तो इस फोन में आपको क्या मिल जाता है, इसको आप सेटिंग में चाहे ऊपर से भी जा सकते हैं और मेन सेटिंग में भी जा सकते हैं। सेटिंग को मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद चलते हैं हम इसके सिस्टम मैनेजमेंट में और इसके अवार्ड फोन में देखते हैं। यहाँ पर जो आपका जो एंड्रॉयड वर्जन है ये फन टच OS पर काम करता है, जो फन टच OS 10 वर्जन पे है इसके एंड्रॉयड के। और यहाँ पर इसके प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रोसेस मिल जाता है 2.3 GHz स्नैपड्रैगन 712 के साथ ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो यहाँ पर जो रैम की बात करूँ तो यहाँ पर 8 GB की रैम है और स्टोरेज है इसका जो 128, ये आपको 256 GB में भी मिल जाता है सेकंड वेरिएंट। और बात यहाँ पर करें इसके सिक्योरिटी पैच की, तो जो यहाँ पर आपको 2020 आठवें मंथ में यहाँ पर 1 तारीख को हो रखा है। और इसके CPU की बात करें तो रियल टाइम में यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 8 कोर के साथ आपको मिल जाता है, जो कि अलग अलग परफॉर्मेंस के साथ काम करता है। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अपडेट्स दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो कर्नल वर्जन की बात करें तो 4.9 के साथ आपको मिल जाता है ये। और इसका बेसिक वर्जन बहुत सारे यहाँ पर अपग्रेड कर दिया गया है पुराने वर्जन के हिसाब से। और तो उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर इसके फिंगरप्रिंट की और फेस के बाद में, तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट तो मैंने आपको दिखाई दिया कुछ इस तरह से,
तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट कुछ इस तरह से वर्क करता है, बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है, और जो बहुत ही जल्दी अनलॉक करता है फ़ोन को, जैसे आप टच करेंगे मत कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ पर अनलॉक हो जा रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर पासवर्ड मैनुअल देते हैं तो वो भी आप बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपने पासवर्ड दिया है तो आपको अनलॉक कर लेगा, बहुत जल्दी वर्क करता है। तो वो आपको डिपेंड करता है, अगर आप मैनुअल भी करते हैं तो यहाँ पर वैसे भी करता है, और अगर आप फिंगर के साथ जाते हैं तो यहाँ पर भी अनलॉक बहुत जल्दी से करता है। अगर फेस की बात करूँ तो फेस यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, तो फेस को जल्दी से हम यहाँ कर लेते हैं। तो फेस को आपको दोबारा से यहाँ पर लगाने के लिए क्या करना होगा, तो आपको अपना फेस यहाँ पर देना पड़ेगा। तो क्लियर फेस डाटा जो भी आपने ऑलरेडी पहले दे रखा है, अगर आप नया ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, दोबारा से ऐड फेस कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसको ऐड फेस करने के बाद हम देखते हैं किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर आपको ओके करना है, अब आपको अपना जो फेस है वो सामने की तरफ कर लेना है। तो जैसे कि मैं अपना फेस यहाँ पर कर ले रहा हूँ सामने, तो फ्रेंड कुछ इस तरह से आपको फेस कर देना है। फेस सेट होने के बाद आपका 100% यहाँ हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका फेस ऐड हो चुका है, अब आप इसे डिस्प्ले को लॉक कर लीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए जो आपका फेस है यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लेगा, और ये बहुत ही स्मूथली वर्क करता है। लेकिन मेरा कैमरे सामने आ रहा है तो साइड से थोड़ा सा करके दिखाता हूँ आपको, डिस्प्ले दिखती रहेगी, और यहाँ पर आपको इस तरह से दिख जाएगा। ठीक है, अनलॉक लॉक फेस, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली यहाँ अनलॉक करता है, तो आपको फेस उस तरह से दिख जाना चाहिए, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से लॉक करता है, तो आपको दिख रहा होगा, और कुछ ही सेकंड में यहाँ लॉक करता है। इसका फेस अनलॉक भी बहुत फास्ट है, जैसे आप इसे डिस्प्ले पे अनलॉक के लिए खाली फेस सामने लाएंगे उसके बाद अनलॉक हो जाएगा अनलॉक पर। ठीक है, बहुत ही बहुत ज़्यादा तेज़ काम करता है इसका फेस लॉक। तो यहाँ पर ऐसे ही आप दोनों लॉकों का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपका नॉर्मली वर्क करता है। उसके उसके बाद बाद मैं अगर अगर मैं इसके बात फीचर की बात करूँ तो यहाँ पर एक अल्ट्रा गेम मोड का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप गेम के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो यहाँ पर अल्ट्रा गेम मोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड, जो भी यहाँ पर आप एप्लीकेशन यूज करते हैं गेम के लिए, तो आपको यहाँ पर ऊपर अनेबल अल्ट्रा गेम मोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अनेबल का ऑप्शन आ जाएगा। तो फ्रेंड जब आप इसे अनेबल कर देंगे, अनेबल करने के बाद कुछ इस तरह से खुल जाएगा यहाँ पर, और आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे गेम आपको ऐड नहीं है तो यहाँ पर नीचे प्लस का ऑप्शन है, तो यहाँ पर कोई भी जो गेम आप खेलना चाहते हैं उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो उस गेम के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल कोई एप्लीकेशन यहाँ जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जब राइट क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगी, अगर आपने गेम कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर आप उसके नोटिफिकेशन को ऑन रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, या कोई कॉल गेम के दौरान आए ना आए, वो सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस आप लॉक कर सकते हैं यहाँ पर, जितनी ब्राइटनेस रखना चाहते हैं, ऑटो प्ले करना है नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, आपको गेम की कोई पिक्चर्स वगैरह लेनी तो वो सब सारे मोड आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसको अनेबल करने के बाद ऑप्टिमाइजेशन सेंटर यहाँ पर ये बोलते हैं इसे, और इसके बाद आप अपने गेम का पूरी तरह से मज़ा ले सकते हैं। अब मैं आपको अगले वीडियो में अपने गेम के रिव्यू करके दिखाऊंगा, जिसमें आपको पूरी तरह से यहाँ मिल जाएगा कि ये किस तरह से वर्क करता है, और साथ में इसके कैमरा रिव्यू भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड इसके ये रही मेन परफॉर्मेंस की बात। तो यहाँ पर इसके रैम एंड स्टोरेज की बात करूँ तो ये स्टोरेज पे क्लिक किया तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर रैम 8 GB की मिल जाती है, और साथ में आपको 128 का स्टोरेज मिल जाता है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा 117 GB के आसपास में, जो यहाँ पर मैं थोड़ा यूज़ कर चुका हूँ। और यहाँ पर इसके बाद आपको मैं बताऊँ यहाँ पर जो कि OTG का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप माउंट कर सकते हैं, OTG का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो जब आप OTG करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी बैटरी की, तो बैटरी आपको यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। यहाँ पर सुपर सेवर के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, लो मोड पे आप सेट करना चाहते हैं तो वो भी चीज़ें आपको पावर सेविंग के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज वगैरह सेट करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सब दिख जाएगा। ठीक है, जो इसकी बैटरी बैकअप है वो काफ़ी अच्छा है, मैंने इसे यूज़ किया है, इसको 1 वीक के बाद मैं रिव्यू कर रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ इसकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। यहाँ पर एप्लीकेशन एंड परमिशन के लिए बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, जो आप क्लोन वगैरह ऐप चाहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत चीज़ें इसमें हैं जो कि मैं अगले कुछ वीडियो में बताऊंगा यहाँ पर, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और जो इसका अपडेट वगैरह आपको जल्दी जल्दी मिलता रहेगा, जो कि आपको इसको लेने के बाद दिख जाएगा। तो इसके सिस्टम अपडेट की बात करूँ तो जो कि आपको वहाँ पर कंपनी की तरफ से जब आएगा तो आपको मिल जाएगा। और इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात मैंने की तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैं इसे 1 वीक से यूज़ कर रहा हूँ, इसका कैमरे क्वालिटी भाग की अच्छी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वीवो V19 का रिव्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको नीचे कमेंट सेक्शन के में बताना है कि यहाँ पर जो V19 का रिव्यू है, और यहाँ पर आपको कैमरा परफॉर्मेंस कैसी लगी, और यहाँ पर जो फेस इसका सेल्फी कैमरा है वो कैसा लगा आपको, और इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है क्या है। तो जो भी मैं चीज़ें आपको बताई आपको कैसी लगी तो इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यहाँ से मुझे पता चलेगा कि आपको ये कैसा लगा। इसके लिए मैं आगे भी कोशिश करूँगा, जो भी फ़ोन आएंगे उसके रिव्यू करूँगा, तो यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस देने की, और यहाँ पर जो क्वालिटी है क्या अच्छी होनी चाहिए आप उसे पता चलेगा। तो इन चीज़ों के बारे में मैं भी यहाँ पर फीडबैक दूंगा। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।